हेलो फ्रेंड्स, फूडी वेब के किचन में आप सभी का स्वागत है। मुंबई की स्पेशली मुंबई चौपाटी की अलग अलग तरह की चाट डिशेस सभी जगह पर बहुत ही पॉपुलर है, जैसे भेलपुरी, सेवपुरी, रगड़ा पैटिस वगैरह जो भी। आज हम बनाने जा रहे हैं फूडी वेब के किचन में सेवपुरी चाट, जो मुंबई की चौपाटी पर मिलती है, सेम वैसी वाली। मुंबई की हर चाट डिशेस सबकी इतनी फेवरेट क्यों है, इतनी पॉपुलर क्यों है, इतनी टेस्टी क्यों होती है, इसका जो मेन सीक्रेट है इसकी अलग अलग तरह की चटनी। मुंबई की हर चाट डिशेस में जो चटनी इस्तेमाल होती है वो सारी की सारी चटनी की रेसिपीज आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, सारी चटनी बनाने के बाद हम बनाएंगे सेवपुरी चाट। सबसे पहले हम बनाएंगे हरे धनिए की चटनी। थोड़ा सा फ्रेश वाला हरा धनिया वॉश करके हम यहाँ लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च मैंने यहाँ वॉश करके ली है और 1 चम्मच नमक। यही इसके टेस्ट का सीक्रेट है कि इसमें हमें और कुछ भी नहीं मिलाना है, बस हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक। बस थोड़ा सा पानी इसमें मिला सकते हो ताकि इसे पीसने में हमें आसानी हो। इस तरह की कंसिस्टेंसी रख के हम इसे फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं, ये 6 महीने भी खराब नहीं होगी। चाट की मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए है 6 से 7 खजूर। इसके सीड्स निकाल के हम इसमें मिलाएंगे 1/2 कप जितनी इमली जो मैंने वॉश करके डाली है और 2 कप जितना गुड़। ये सबको हमें गर्म पानी में भिगो के 1 घंटा जितना रखना होगा, इसलिए मैंने गुड़ को बारीक बारीक नहीं काटा है। गर्म पानी में भिगोने से ये गुड़ सॉफ्ट हो जाएगा और हमें मिक्सर में पीसना ईजी हो जाएगा। अगर आप ये चाट बनाओ और आपको अर्जेंट हो तो फिर आप गुड़ को छोटा छोटा काट सकते हो ताकि इसे भिगोने की ज़रूरत ना पड़े और तुरंत ही इसकी चटनी बना सकते हो। खट्टी मीठी चटनी के बिना तो कोई भी चाट अधूरी है। गुड़, खजूर और इमली को हम 1 घंटा ढक के थोड़ा भिगोने के लिए रखते हैं। तब तक हम बना लेते हैं स्पाइसी वाली लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी में हम डालेंगे साबुत वाले लाल मिर्च। 10 से 12 साबुत वाले लाल मिर्च मैंने यहाँ पर पानी में भिगो के रखी थी, लगभग 1/2 घंटा जितना मैंने इन्हें भिगोया है पानी में, ताकि इसके जो सीड्स है ये सॉफ्ट हो जाए और हमें पीसने में आसानी हो। लहसुन के साथ हम ये भिगोई हुई साबुत वाली लाल मिर्च डालेंगे। साबुत वाली लाल मिर्च अगर घर में अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं, आप लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें मिला सकते हो। 1/2 चम्मच नमक डाल के हम इसे पीस लेंगे। थोड़ा पीसने के बाद हम चेक करेंगे, अगर इसके सीड्स अभी भी वैसे ही है तो थोड़ा सा पानी मिला के इसे सॉफ्ट करने के लिए हम इसे फिर से पीसेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एकदम फाइन पेस्ट बन गई है चटनी की। थोड़ा सा ही पानी मिला के ऐसी वाली चटनी आप फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हो। जब भी कोई चाट डिश बनानी हो फ्रीजर से 1/2 घंटे पहले निकाल के रखो, उसमें पानी मिला के बाद में यूज कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो इमली, खजूर और गुड़ मिला के भिगो के रखा था, अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुका है, तो अब ये मिक्सर में पीसने के लिए रेडी है। अब ये बन जाएगी हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसके बिना तो हर चाट अधूरी है। आ रहा है ना ये चटनी देख के ही मुँह में पानी। अभी तो हम सेव पूरी बनाएंगे जिसमें ये तीनों चटनियाँ जाएगी जो हमने आज बनाई है। उबले हुए आलू, टमाटर और प्याज को मैंने छोटे छोटे काट के रखे थे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबकी फेवरेट मुंबई चौपाटी की सेवपुरी चाट। सेवपुरी की पूरियों को हम इस इमली की चटनी में डुबोकर इस प्लेट में सेट करेंगे। फ्रेंड्स, यही इसका सीक्रेट है कि ये जो इमली की चटनी है इसे हमें पूरियों पर डालना नहीं है, बल्कि पूरियां ही चटनी में डुबोनी है। पूरियों पर रखेंगे हम छोटे छोटे आलू के टुकड़े, बारीक कटे हुए टमाटर। इस पर हरे धनिए की चटनी हम ऐड करेंगे अपने अपने स्वाद अनुसार, कम या ज्यादा। और इसमें ऐड होगी लहसुन की स्पाइसी वाली चटनी। फ्रेंड्स, किसी भी चटनी में अमचूर पाउडर, नींबू, पुदीना वगैरह कुछ हम यूज नहीं करेंगे। जब हम कोई भी चाट बनाते हैं तब उसमें ऊपर से हमें ये सब कुछ ऐड करना है चाट को ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए। स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नमक इसमें छिड़केंगे हम। थोड़ा सा नमकीन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, बस इसे और ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए। और इसको हम कवर करेंगे बिल्कुल छोटी पतली वाली सेव से। सेवपुरी चाट तो अपना रेडी हो गया, लेकिन जब तक इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज और धनिया न छिड़का जाए ये तो अधूरा है। तो चलिए ऐड करते हैं बारीक कटा प्याज और धनिया। इसके स्वाद को और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें छिड़केंगे थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस या आमचूर पाउडर ऊपर से ही जब हम छिड़कते हैं उसी से ये ज्यादा टेस्टी बनता है। एक टेम्पटिंग सा लुक देने के लिए हम इसे गार्निश करेंगे कुछ अनार के दानों से। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये सेवपुरी चाट डिश बिल्कुल ही रेडी है सर्व करने के लिए। थोड़ी सी इमली की चटनी फिर से हम ऐड कर लें। लो फ्रेंड्स, बन गई मुंबई की पॉपुलर चाट डिश सेवपुरी चाट।
जिसे खाने के लिए मुंबई चौपाटी पर आप कभी भी देखोगे भीड़ लगी हुई रहती है। थोड़ी सी ऊपर से सेव और छिड़केंगे इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, किसी भी चाट की जो स्पेशलिटी है वो है उसकी चटनी। तो अब मेरी ये रेसिपी को फॉलो करके हर तरह की चाट के लिए चटनी बना लो, खाओ, खिलाओ और घर वालों से ढेर सारी तारीफें बटोर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।